हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे का, दक्षिण पूर्व रेलवे का खड़गपुर डिवीजन में एग्जाम हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। 16 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम हुआ है और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। दोस्तों, हमें प्रश्न पत्रों से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे हमें एक नया एक्सपीरियंस आता है किस तरह के पैटर्न के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब हम अन्य डिवीजन के प्रश्नों से हम तैयारी करते हैं तो हम खुद को इवेल्युएट कर पाते हैं, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि हमारे पास कितनी तैयारी हुई है और हम कितने प्रश्नों का उत्तर हम दे पा रहे हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉमेंट भी अवश्य करें। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे का है एग्जाम हुआ है। यहाँ गुड्स ट्रेन मैनेजर यहाँ लिखा हुआ है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कुल अंक 100, फुल जो है समय है वह 90 मिनट्स है इसमें दिया गया है। समय जो है ज़्यादा 2 घंटे यहाँ नहीं है, यहाँ 90 मिनट्स का समय दिया गया है। और 16 अप्रैल 2024, 16 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। चलिए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेड ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन एट डिविजनल लेवल इज, तो डिवीजन के हेड कौन होते हैं, तो वो डीआरएम होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इन एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में पूछा गया है कि पहला जो है प्रथम रोक सिग्नल कौन सा होता है, तो वह होम सिग्नल होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कवर्ड वैगन, बॉक्सन ओपन है, बीओवाई ओपन है, बीओबीआर ओपन है, बीसीएन, बीसीएन जो है वह कवर्ड वैगन है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू खड़गपुर डिवीजन, खड़गपुर डिवीजन से कौन सा जो रिवर है वह पास नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दामोदर, यमुना, स्वर्णरेखा और हल्दी, ये सभी जो है ईस्ट में है। और ये यमुना कहाँ है, यमुना जो है उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए यह जो है वहां से नहीं बहता है, वहां से फ्लो नहीं होता है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस डब्ल्यू आर ऑफ स्टेशन इज साइंड बाई, एस डब्ल्यू आर जो है स्टेशन का वह किनके द्वारा साइन किया जाता है, तो वह सीनियर डीओएम एवं डीएसटी के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रेन, ट्रेन के रूप में किसे ट्रीट नहीं किया जाता है, लाइट इंजन, मोटर ट्रॉली, ईएमयू, एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में मोटर ट्रॉली जो है ट्रेन के रूप में यहाँ पर नहीं माना जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस सफिशियंट टू इंश्योर सेफ्टी इज नोन एज, जो संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो दूरी रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे एडिक्वेट डिस्टेंस कहा जाता है, पर्याप्त दूरी कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉलिंग मार्क्स आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड, फॉलिंग मार्क किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, रियर कोलिजन से बचने के लिए, डिरेलमेंट, साइड कोलिजन, नन ऑफ दी। यहाँ जो है साइड कोलिजन से बचने के लिए जो है फॉलिंग मार्क प्रोवाइड किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्लॉक हट इज ए डैश क्लास ऑफ स्टेशन, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्लॉक हट कहा गया है, ब्लॉक है वहां पर, ब्लॉक हट कौन सा होगा, सी क्लास स्टेशन होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच सिस्टम ऑफ वर्किंग इज फाउंड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में कौन सा जो है सबसे ज्यादा सिस्टम ऑफ वर्किंग कार्य करता है, तो वह जो है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम सबसे ज्यादा कार्यरत है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पैसेंजर हॉल्ट इज ए डैश, पैसेंजर हॉल्ट क्या होता है, वह नन ब्लॉक स्टेशन होता है। आंसर ऑप्शन बी है, नन ब्लॉक स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ सिग्नल, इसमें से कौन सा है जो है वह सिग्नल का एक रूप है, तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिक्स्ड सिग्नल, हैंड सिग्नल, डिटोनेटिंग सिग्नल, ऑल ऑफ दी, ये सभी जो है सिग्नल है। आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए डिस्टेंस सिग्नल इज ए, डिस्टेंस सिग्नल क्या है, यह एक परमिसिव सिग्नल है। आंसर ऑप्शन सी है, परमिसिव सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ होम सिग्नल इज, होम सिग्नल का जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वह क्या है, यहाँ पर जो है स्टॉप होगा वह डेंजर स्थिति रहता है, लाल रहता है, तो लाल क्या है, स्टॉप है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मल लाइफ ऑफ ए डिटोनेटर इज डैश फ्रॉम द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब से उसका निर्माण हुआ है उससे कितने साल तक रहता है, तो वह 5 साल के लिए वैलिड रहता है। आंसर ऑप्शन डी है।
इसे बढ़ाया जा सकता है, 3 बार बढ़ाया जाता है, एक एक साल के लिए टेस्ट पहले किया जाता है 5 साल होने के बाद, और एक एक साल के लिए उसे 3 बार मैक्सिमम यूज के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ बैनर फ्लैग इज ए, बैनर फ्लैग क्या है? तो हम ऑप्शन देखेंगे पहले, वार्निंग सिग्नल, वार्नर सिग्नल, टेम्पररी फिक्स्ड डेंजर सिग्नल, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो है टेम्पररी फिक्स्ड डेंजर सिग्नल है बैनर फ्लैग, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द क्लासिफिकेशन ऑफ ईच स्टेशन ऑन साउथ ईस्टर्न रेलवे इज शोन इन, क्लासिफिकेशन किस में लिखा जाता है? तो यह जो है वर्किंग टाइम टेबल में दिया जाता है, आंसर ऑप्शन बी है, वर्किंग टाइम टेबल किसी भी रेलवे का। यहाँ साउथ ईस्टर्न से ही घबराना नहीं है, आपको तैयारी कर रहे हैं तो उसको हमको देखना है, हमारे रेलवे का भी, जिस भी रेलवे में आप काम करते हैं तो उसमें पूरा क्लासिफिकेशन वगैरह जो है कहाँ लिखा रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द कलर ऑफ डेंजर एस्पेक्ट ऑफ रे MACLS सिग्नल, जब डेंजर एस्पेक्ट है स्टॉप रहा है तो उसमें पर कौन सा रहेगा, तो रेड सिग्नल रहेगा, आंसर ऑप्शन ए है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द पोर्शन ऑफ ए रेलवे व्हिच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेशन मास्टर इज नोन एज, यह जो है पूछा गया है कि स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में रहने वाला कौन सा भाग होता है, तो जो है स्टेशन लिमिट जो है स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है, आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, नो न्यू सिग्नल शैल बी टेकन इन टू यूज अंटिल इट हैज बीन इंस्पेक्टेड बाई, या किसके द्वारा, मतलब कोई भी नया सिग्नल लगाया गया तो तब तक भी नहीं किया जाएगा जब तक इनके द्वारा इंस्पेक्शन नहीं किया जाता, सिग्नल सेटिंग कमेटी के द्वारा जब तक इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है तब तक उसे यूज में नहीं लाया जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है, सिग्नल साइटिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिसकनेक्शन रिकनेक्शन नोटिस इज इशूड इन फॉर्म, वह कौन सा है, फॉर्म नंबर क्या होता है उसका, T351 होता है, 351 होता है, आंसर ऑप्शन सी है T351। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पायलट इन एंड पायलट आउट मेमो इज इशूड इन फॉर्म डैश इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ऑफ वर्किंग, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम वर्किंग में पायलट इन पायलट आउट मेमो कौन से फॉर्म में दिया जाता है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन T361, T693B, TA912 इसे पढ़ा जाना चाहिए, TA602। TA602 क्या होता है, तो असिस्टिंग इंजन जो है ब्लॉक सेक्शन में भेजने के लिए होता है, TA912 जो है वह ऑटोमेटिक में यूज होता है, T693B सिग्नलों को ऑन में पास करने का अधिकार है, और इसके आधार पर पायलट इन और पायलट आउट भी किया जाता है, आंसर ऑप्शन बी होगा, और T691 जो है एडवांस अथॉरिटी टू पास ए सिग्नल एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन ड्यूरिंग फॉगी वेदर व्हेन सिग्नल इज शोन ग्रीन एस्पेक्ट, जब ग्रीन एस्पेक्ट रहेगा तो समय पर जो है 60 KMPH होता है, वहां हो सकता है 60 to 75 दिया गया, 60 से 75 के बीच होगा, यहाँ जो आंसर होगा वह 60 KMPH, 60/75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच टाइम बिफोर डिपार्चर ऑफ ट्रेन अ गार्ड शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी, गार्ड जो है कितने मिनट पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन बी है, 30 मिनट पहले वह रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टाइम्स वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड इन ईयर, एक साल में वर्किंग टाइम टेबल कितने बार इशू किया जाता है, तो वह सिर्फ एक बार इशू किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एवरी LP ऑब्लिक ए LP ऑब्लिक मोटरमैन शुड बी गिवेन डैश ट्रिप्स अप एंड डाउन डायरेक्शन सेपरेटली फॉर लर्निंग रोड टू फेमिलियर हिमसेल्फ विद द सेक्शन, सेक्शन से वह परिचित होने के लिए उसे कितने बार जो है दिया जाता है लर्निंग, तो उसे 3 ट्रिप लर्निंग दिया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट शुड बी एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रेन व्हेन LP ऑब्लिक ए LP हैज टू पास IB एट डेंजर आफ्टर वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, जब सिग्नल जो है IB सिग्नल डेंजर में रहता है 5 मिनट वेट करता है, और उसको फिर भी मान लिया जाए कि वह बात करता है टॉक बैक से और बात नहीं होता है, तो उस समय पर वह जो है डेंजर सिग्नल पास करके जाएगा, और तब जो है स्पीड क्या होगा उस समय पर, जो है स्पीड 15/8 KMPH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ए ट्रेन रन्स विदाउट ए ब्रेक व्हेन वेयर द लास्ट व्हीकल इंडिकेशन इंडिकेटर बोर्ड शैल बी प्लेस्ड, जो सबसे लास्ट व्हीकल पर लगाया जाता है, इन द रियर मोस्ट व्हीकल, आंसर ऑप्शन बी होगा, सबसे पिछले वाहन पर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LVCD, LVCD का फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस, लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस, आंसर ऑप्शन डी है, ध्यान रखना है सभी को, देखिए यहाँ लास्ट व्हीकल कंट्रोल डिवाइस, लीस्ट व्हीकल कंट्रोल चेक डिवाइस, लास्ट व्हीकल कॉल डिवाइस, तो हमें अगर आते हुए भी हम गलत ना करें
लास्ट और यहाँ लिस्ट दोनों में सेम ही लग रहा है। गलती से आंसर जो है पूरी तरह से पढ़ के ऑप्शन ही करना चाहिए। यहाँ जो होगा आंसर ऑप्शन डी, लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन ए ट्रेन इज विद इन स्टेशन लिमिट द गार्ड शैल बी अंडर द ऑर्डर ऑफ। जब स्टेशन लिमिट के अंदर रहता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखे स्टेशन लिमिट जो है किसके कंट्रोल में रहता है, स्टेशन मास्टर के रहता है, तो उस समय पर जो गार्ड जो है उसके किसके आदेशों का पालन करेगा, तो उस समय पर जो है स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन डज नॉट रिक्वायर ए ट्रेन मैनेजर। इनमें से किसमें ट्रेन मैनेजर की आवश्यकता नहीं है? लाइट इंजन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, ईएमयू, गुड्स ट्रेन। लाइट इंजन में गार्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रेन मैनेजर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए मटेरियल ट्रेन शैल बी वर्क ओनली विद द परमिशन ऑफ। किसके परमिशन से जो है मटेरियल ट्रेन वर्किंग करता है? तो स्टेशन मास्टर के परमिशन से वर्किंग करता है। लाइन ब्लॉक पूछा तो लाइन ब्लॉक कौन परमिट करता है? स्टेशन मास्टर पूछता है, उसके बाद जो है उसको परमिट करने के बाद वह कार्य करता है। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हु एमंग फॉलोइंग शैल पर्सनली कंडक्ट शंटिंग ऑफ ए मटेरियल ट्रेन। मटेरियल ट्रेन का जो है शंटिंग कौन करेगा पर्सनली? गार्ड है तो वह गार्ड करेगा। यहाँ जो है DOM, DTI, गार्ड, DRM। आंसर ऑप्शन सी होगा, गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फुल फॉर्म ऑफ SWR इज। SWR का फुल फॉर्म स्टेशन वर्किंग रूल। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। शंटिंग ऑपरेशन में जो है स्पीड कितना होता है? मैक्सिमम 15 KMPH होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच फॉर्म इज यूज फॉर इशूइंग शंटिंग अथॉरिटी। शंटिंग जो है कार्य करने के लिए, शंटिंग कार्य करने के लिए जो अथॉरिटी इश्यू किया जाता है उसका नंबर क्या होता है? T806 होता है। आंसर ऑप्शन ए है, T806। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्किड्स दैट शुड बी यूज फॉर सिक्योरिंग ए व्हीकल। जो व्हीकल को सिक्योर किया जाता है तो उसमें पर दो आगे और दो पीछे से स्किड्स लगाया जाता है, लकड़ी के गुटके लगाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। TSL स्टैंड फॉर। TSL का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग। टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा, टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग। यहाँ टेम्पोररी शंटिंग लाइन, टेम्पोररी शंटिंग लेंथ, टेम्पोररी सिंगल सिग्नल लाइट। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है ऑप्शन जो है मिलते जुलते रहते हैं, जो आंसर ऑप्शन है उसको चारों पढ़ के और तभी बढ़िया से हम आंसर कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, टेम्पररी सिंगल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग TSL वर्किंग। TSL में जाने वाले पहली गाड़ी की गति 25 KMPH होता है, 25 KMPH होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन ऑब्लिक रिलीफ ट्रेन इन टू एन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। उस समय पर क्या होता है? तो इसे ब्लॉक टिकट कहते हैं, TA602 दिया जाता है, TA602। यहाँ से ब्लॉक टिकट के नाम से जाना जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्लॉक टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। BLW इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉशन ऑर्डर स्टैंड्स फॉर। BLW का जो है कॉशन ऑर्डर के मतलब में मीनिंग में क्या कहा जाएगा? ब्लो लॉन्ग विजल, ब्लो लॉन्ग विजल। आंसर ऑप्शन बी है, ब्लो लॉन्ग विजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। CRO इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉशन ऑर्डर स्टैंड फॉर। कॉशन ऑर्डर में CRO का मतलब क्या होता है? कैटल रन ओवर। आंसर ऑप्शन सी है, कैटल रन ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। न्यूट्रल सेक्शन इज फाउंड इन। न्यूट्रल सेक्शन कहाँ होता है? इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। CRS स्टैंड फॉर। CRS का जो है फुल फॉर्म बताना है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। आंसर ऑप्शन ए है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। EI स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 45 है। EI स्टैंड फॉर, EI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इनर्जी इंटरलॉकिंग, इमरजेंसी इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज, एलिमेंट्री इंटरलॉकिंग। यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। याद रखें यहाँ कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। फुल फॉर्म ऑफ PCOM। PCOM का फुल फॉर्म हमको बताना है, 46 का, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। आंसर ऑप्शन सी है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ODC कंसाइनमेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेज। ODC जो है वह 3 क्लास में होता है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। आंसर ऑप्शन बी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48।
मास्टर चार्ट इन कंट्रोल ऑफिस इज प्रिपेयर फॉर, का मास्टर चार्ट जो तैयार किया जाता है वह कितने घंटे के लिए होता है, वह 24 घंटे के लिए। तो है आंसर ऑप्शन ए है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, स्टैंडर्ड रेक साइज ऑफ बॉक्सन इज, स्टैंडर्ड रेक जो है बॉक्सन का कितना होता है, 58+1 का होता है यानी 59, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इन अ स्टैंडर्ड 4 आर इंटरलॉकिंग, यह कितना होता है, 160 KMPH होता है, आंसर ऑप्शन सी है 160। 1 आर में कितना होता है, 1 आर में जो है 50 KMPH तक होता है, 2 आर में 110 तक होता है, और 3 आर में 140 होता है, और 4 आर में 160 होता है। इसको चारों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए प्रीमियम बीपीसी रेक, प्रीमियम बीपीसी रेक का जो वैलिडिटी कितना होता है, वह 12+3 डेज होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द इनिशियल ब्रेक पावर ऑफ ए मेल एक्सप्रेस ट्रेन इज, इनिशियल जो है कितना ब्रेक पावर रहना चाहिए, तो वह 100% रहना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनेशन एंड इशूइंग बीपीसी ऑफ फ्रेट ट्रेन, फ्रेट ट्रेन का जो है बीपीसी इशू करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है, तो वह CNW कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGTM, SGTM का फुल फॉर्म पूछा गया है, सीनियर गुड्स ट्रेनर मैनेजर, सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोको पायलट, इसमें से कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट का नहीं है, वेरीफाई एडिक्वेट ब्रेक पावर एज सर्टिफाइड इन ट्रेन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट, इज है इशू बीपीसी यह नहीं है, कंडक्ट ए ब्रेक फीड टेस्ट यह करना है, इन केस ऑफ फेल्योर ही विल रिपोर्ट टू कंट्रोल, यहाँ जो है बीपीसी इशू करना जो है एलपी का काम नहीं है, आंसर ऑप्शन बी है इशू बीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डेमरेज चार्ज पर 8 व्हीलर वैगन ब्रॉड गेज पर आवर इज, यह जो है डेमरेज चार्ज पूछा गया है कितना होता है, 150 रुपीज पर वैगन होता है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, तत्काल रिजर्वेशन कैन बी अरेंज्ड, तत्काल रिजर्वेशन कब किया जा सकता है, 1 डे बिफोर द डेट ऑफ जर्नी, आंसर ऑप्शन ए है, एक दिन पहले, जर्नी के एक दिन पहले किया जा सकता है, आंसर ऑप्शन ए है, 1 डे बिफोर द डेट ऑफ जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एन इंडिविजुअल कैन बुक हाउ मेनी पैसेंजर इन वन रिजर्वेशन फॉर्म, एक रिजर्वेशन फॉर्म में कोई एक आदमी कितने लोगों का टिकट बुक कर सकता है, तो वह 6 बुक कर सकता है, आंसर ऑप्शन ए है 6, लेकिन जब तत्काल रहेगा तो तत्काल में कितना होता है, तत्काल में सिर्फ 4 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, PRS स्टैंड फॉर, PRS का फुल फॉर्म पूछा गया है, PRS का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वार्टरली सीजन टिकट्स आर फेयर इज डैश टाइम्स ऑफ मंथली सीजन टिकट फेयर, तो क्वार्टरली सीजन टिकट जो होता है वह मंथली सीजन टिकट के 2.7 टाइम्स होता है, आंसर ऑप्शन ए है 2.7। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वह मैथमेटिक्स से है, यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, 10% ऑफ 250, 250 का 10% कितना होगा, 25 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कंप्लीट द सीक्वेंस, सीक्वेंस को पूरा करना है, 1 3 5 7, दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा वह 9 होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इफ फादर सन इज 40 एंड एज ऑफ सन इज 10, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर एंड सन, तो यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो गया 30, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कंप्लीट द सीक्वेंस 1 4 9 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि यह 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, आंसर ऑप्शन डी ए होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इफ 10 इज एडेड टू ए गिवन नंबर इट बिकम्स 20, व्हाट इज द गिवन नंबर, 10 में 10 जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, 20 हो गया, तो यहाँ कौन जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि वह नंबर कौन सा है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ 10 15 20 25 30 डैश, क्या है 5 का डिफरेंस अभी मारा है 5 का, नेक्स्ट 35 होगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द वैल्यू ऑफ 6 प्लस
ब्रैकेट में है 5 × 10 / 5 इजिकल टू, तो यहाँ क्या है बोर्ड मॉस फॉर्मूला को हमको यूज करना है, पहले जो है ब्रैकेट उसके बाद जो है ऑफ डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ जो है डिवीजन पहले करेंगे तो 10 से डिवीजन करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 68, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, हम जो एवरेज इसको निकालने के लिए पूछा है तो एवरेज क्या है 5, 3, 4, 2, 1, इसको जब हम एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 का हम 5 से डिवीजन करेंगे यानी एवरेज निकालने के लिए, तो यह 3 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 45 हो जाएगा, या 50 डिवाइड नहीं होगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 70, द क्यूब ऑफ 4 इज, 4 का क्यूब पूछा गया है तो 4 × 4 × 4 = 64, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 होगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 72, हाउ मेनी स्लाइड्स डज ए ट्रायंगल हैव, ट्रायंगल में कितने किनारे होते हैं, तो आंसर ऑप्शन डी है 3 किनारे होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ साइड्स 10 cm × 5 cm, 10 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट 2-डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 99, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इफ ए ट्रेन ट्रेवल्स 100 km/h देन व्हाट इज द इट्स एवरेज स्पीड, 2 घंटे में जो है पूछा गया है तो कितना है, तो 100 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना हो गया 50 किलोमीटर, आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ भी बी लिखा हुआ है, यहाँ आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, सी यहाँ ऑप्शन नंबर लिखने में गलती हो गया, आंसर ऑप्शन सी है 50 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, इफ स्वयंस डेट ऑफ बर्थ इज 15 मई 2000, हाउ मच ओल्ड ही विल बी ऑन 15 मई 2024, सीधा सीधी है 24 आवर्स 24 ईयर्स होगा, आंसर ऑप्शन बी है 24 ईयर्स। नेक्स्ट 77, व्हाट विल बी द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, 2, 3, 4, 5, 6 का टोटल करना है, 6, 5, 11 हो गया, 4, 15 हो गया, 3, 18 हो गया, 2, 20, आंसर ऑप्शन ए है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से ऑड वन आउट पूछा गया है, 10 है, 20 है, 30 है और जेड है, ये जो है क्या है लेटर है, ये सब जो है डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें से 50, 500, 200, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट 5 है, आंसर ऑप्शन बी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड ऑड वन आउट अमंग फॉलोइंग, इसमें से ऑड वन आउट हमको खोजना है 13, 30, 40 और 50, यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा 13, यह जो है डिविजिबल नहीं है, यहाँ जो है विषम संख्या, ये सभी जो है सम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन रैन इन इंडिया, भारत में पहला ट्रेन कब चला था, तो 1853 में चला था, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, इंडिया में जो रेलवे जोन है कौन सा सबसे बड़ा है, वह नॉर्दर्न रेलवे है, सबसे इसकी लंबाई जो है सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, विच डिविजन ऑफ एसीआर साउथ ईस्टर्न रेलवे डज हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग, यह जो है चक्रधरपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा फ्रेट लोडिंग होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज सिचुएटेड इन द एक्सट्रीम साउथ, सबसे एकदम अंतिम छोर पर, साउथ में अंतिम छोर पर कौन सा स्टेशन स्थित है, तो वह कन्याकुमारी है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट, कौन से स्टेट से अभी जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर, अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसीआर, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, वह कोलकाता में है, आंसर ऑप्शन सी है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रैन बिटवीन कौन सा दो सिटी के बीच चला था? तो न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच जो है सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस चला था। आंसर ऑप्शन ए है, न्यू दिल्ली वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज स्टार्टेड ए ट्रेन रिसेंटली विच इज डेडिकेटेड टू फेरिंग पिलग्रिम्स टू अयोध्या। अयोध्या के लिए जो ट्रेन चला है उसका जो नाम दिया गया है वह क्या है? आस्था स्पेशल ट्रेन। आंसर ऑप्शन बी है, आस्था स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 जो है वह मिसिंग है। जिन्होंने भी मुझे यह प्रश्न भेजा था उसमें से वह उनको एक पेज जो है मिसिंग है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को अब नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास प्रश्न ही नहीं है। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 101 से लेकर 110 तक। सॉरी इसके लिए, क्योंकि हमें नहीं मिला है इसलिए हम उसका आंसर हम नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, राजभाषा का प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित है इसलिए हम हिंदी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेंगे, शुरू करेंगे 101 से लेकर 110 तक। 101 101 का, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा वह हिंदी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 102, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? यह जो है भाग 17 में दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, वर्तमान में संविधान की 8वें अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? तो 22 भाषाएं हैं, 22 22 भाषाएं सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट 104, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 105, कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा निर्णय लिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट 106, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु सी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है, सी। नेक्स्ट 107, राजभाषा नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह जो है ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, ए क्षेत्र। नेक्स्ट 108, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 110, संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, 30। 30 30 में जो है लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। नेक्स्ट 110, राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ए बी सी कह सकते हैं, या फिर उसे क ख ग क्षेत्र में बांटा गया है। तो आज हमने इन सभी प्रश्नों को लिया है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी तैयारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें नया अनुभव प्राप्त होता है कि हम किस तरह से तैयारी करें, हमें कैसे पैटर्न की जानकारी होता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होता है। इसलिए हमें नए नए जो क्वेश्चन हमारे परीक्षाओं के हो रहे हैं, जो भी विभागीय परीक्षाएं हो रहे हैं, दूसरे डिवीजन के भी हो रहे हैं, उसकी तैयारी करना, उससे क्वेश्चन को देखना और उससे हमको पढ़ना और उसके आंसर को देना, हमें खुद को एवेल्युएट करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, हम आपकी परीक्षा में आपकी सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।